तो हाँ, ये हमारी बच्ची है, देखिए शाहीन बाग में रहते थे ना, शाहीनगर में। बच्चा देखिए मोइन बाग का है हमारे पास का, ये दूल्हा जो है बच्चा, बच्ची का हमारे इंतकाल हो गया कल रात में 2 बजे। फोन आया उनके सास का कि बच्ची को सफीर साहब गिर गए, उन्हें मार लगे बोल के बताए ये लोग। हम लोग भी हॉस्पिटल गए, उनसे पहले हम लोग हॉस्पिटल में थे वहां पर। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे बच्ची को लेके निकल गए बोल के बताए थे, मगर हमारे से पहले वो लोग थे ही नहीं। पहली बात, हम लोग फर्स्ट थे वहां पर। जब हम बच्ची को लेकर आए, हम डॉक्टर के पास चेक कराए, अपोलो हॉस्पिटल संतोष नगर में, जब हम वहाँ चेक कराए वहां पर, कि हम पहले डॉक्टर ये बताया कि बच्ची ऑलरेडी डेथ है, 1 घंटा पहले उनका इंतकाल हो गया बोल के बताया गया। ये टोटली इनके ऊपर, बच्ची के ऊपर हरासमेंट कर रहे थे। इनकी शादी होकर 2.5 साल हुआ था, देखिए याद रखिए आप, 2020 में अगस्त में शादी हुई थी बच्ची की हमारी। शादी के टाइम पे लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे को जमीन होना बोल के। हमारे वाले साहब बहुत परेशानी से, बहुत मुसीबतों से उनको जमीन दिए, मगर हम रजिस्ट्री नहीं कराए थे, बच्ची के नाम पे थी। शादी के बाद से ये लोग फिर भी हरासमेंट कर रहे थे कि बच्चे के नाम पे ट्रांसफर करो। आए दिन कोई ना कोई डिमांड्स होते रहते थे लोग के, बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे, बच्ची को बहुत परेशान कर रहे थे, खाने को नहीं देना, बच्ची को बंद रखना, घर में वालदेन के पास नहीं भेजना, बहुत परेशानी उठाई बच्ची हमारी। इवन हमारे घर को भी आए तो उन्होंने शैम्पू के पैकेट से लेके साबुन तक घर से लेके जाती थी बच्ची हमारी। ये सब इतने परेशानी के बाद भी 1 साल पहले ऐसी मारम पीटी करे बच्ची को, तो संतोष नगर पीएस में हम इनकी एफआईआर दर्ज करवाए थे। वहां पर दर्ज कराने के बाद जब सेटलमेंट करे के नहीं, माफी मांगे, बहुत आदि निमिताजी करे, तो हम लोग बच्ची को वापस भेज दिए। 1 साल तक बच्ची हमारे घर पे थी, 1 साल के बाद हम लोग क्या करें, फिर बच्ची को समझा माना के कॉम्प्रोमाइज करा के घर को भेज डाले। चलो ठीक है भाई, एक चांस देना ना, बच्चा सुधरता की क्या है कि बोल के, मगर फिर भी इन्होंने नहीं सुधरे। बार बार बच्ची का वही परेशानी, यही रोना था। 1 हफ्ता पहले भी बच्ची आके, उनके वालदेन नहीं है, वालदा नहीं है उनके, इंतकाल हो गया 2017 में, वालदा का जेवर लेके गई उनके डिमांड पूरी करने के लिए। उसके बाद भी इन लोग खामोश नहीं बैठे, दो चार दिन खामोश थे। उसके बाद फिर इन्होंने परेशान करने लग गए बच्ची को। अब कल रात में ऐसा फोन आया कि बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया। हम लोग कही तो हमारी हमारी चीज ही चलेगी, देखिए इतनी बड़ी जान चलेगी हमारी बच्ची, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। हमारे को तेलंगाना हुकूमत से, केसीआर साहब से यही अपील है, पुलिस वाले तो हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करे, हॉस्पिटल वाले भी हमारे पास बच्ची को पूरा पोस्टमार्टम के लिए भेजे करे, पूरा बताए सब। कल तेलंगाना गवर्नमेंट से यही, पूरा गले पे अभी देखे जो हम लोग जाके अंदर, यहाँ पर गले पे 2 जगह निशाना है वो बच्ची को, हाथ पे 1 जगह निशान है, पता नहीं वो क्या है, पता नहीं, पोस्टमार्टम के बाद, रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ बोल सकेंगे उनको। हमारे यही गुजारिश है कि हमारी बच्ची को इंसाफ होना, बस उसको जस्टिस होना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, वो आएंगा तो आगे की कार्रवाई आपको उसके बाद बताएंगे। शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर।